सुप्रिया। ओके सुप्रिया। सीरियल मिस्री में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा, जहां सुप्रिया को बेटी होने का संकेत मिलते ही रणजीत गुस्से में आता है। जी हां, दरअसल गणपति विसर्जन के बाद सुप्रिया कहती है, मुझे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। खुशबू कितनी अच्छी है, स्वाद तो और भी अच्छा है। ये सुनते ही पार्वती कहती है, मैंने तुम्हारे मनपसंद के लड्डू बनवाए हैं और लड्डू लाके सुप्रिया को खिलाते हैं। चित्रा भी सुप्रिया को लड्डू खिलाते दिखाई देती है। सुप्रिया। इसी दौरान पार्वती मजाक में कहती है, जब किसी प्रेग्नेंट लेडी का मीठा खाने का मन करे तो समझो लड़की होगी। तुझे अगर मीठा खाने का मन कर रहा है तो पक्का लड़की होने वाली है, और अगर खट्टा खाने का मन होता ना तो बेटा होता। यही बात पीछे से आते हुए रणजीत सुन लेता है और गुस्से में आकर ग्लास तोड़ देता है। ग्लास टूटने की आवाज सुनकर घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं। तभी रणजीत आता है और कहता है, ग्लास हाथ से गिर गया, और फिर सुप्रिया से साथ आने की बात करता है। सुप्रिया रणजीत के साथ चली जाती है। ये देखकर सभी घर वाले स्टंड हो जाते हैं। अच्छा, मुझे मीठा खाने का मन इसलिए करा, जैसे आप लोग एपिसोड देख रहे हैं तो उसमें ये तो पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो अभी ये पता चला है, जैसे हमारे पुराने लोग भी कहते थे, चलने के स्टाइल से पता चल जाता था कि लड़का होने वाला या लड़की, और खाने से भी पता चल जाता था कि क्या खा रही है, तो क्या हो सकता है बेटा या बेटी। तो वही यहाँ पर है, जिससे हमारी दादी है, दादाजी है, उनको लगता है हाँ लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है। बट जो रंजीत का कैरेक्टर है उसके लिए थोड़ा सा ये टफ है, चैलेंजिंग है। तो बिकॉज एज ही इज़ प्लेइंग सच रोल, तो वो उसके बारे में बताएंगे कि उनकी क्या सोच है। मुझे तो कुछ भी चलेगा, लड़का हो या लड़की स्वस्थ होना चाहिए। हाँ, अभी जो ट्रैक आ रहा है तो उसके हिसाब से ऐसा दिखाया गया है कि रंजीत को है ना बेटा ही चाहिए। और जब जब वो ये बात सुनता है घर वालों के मुंह से या इसके मुंह से कि बेटी होने वाले हैं ना, वो आग बबूला हो जाता है कि लाइक नहीं यार, मुझे है ना बेटी चाहिए ही नहीं। सो उसके लिए ना हो सकता है आने वाले एपिसोड में मैं कुछ करूँ इसके साथ में। बहुत गुस्सा हो जाता है उसको, है ना बेटा ही चाहिए। तो वही है, एक सीन ऐसा हुआ था सुबह हमारे साथ में जिसमें मैं ज़बरदस्ती इसके मुंह से लड्डू कहता हूँ, थूको मुझे बेटी नहीं चाहिए, और आज के बाद है ना दोबारा बोलना मत, वरना मैं इस बच्चे को। सो लाइक ये डर जाती है उस समय कि अरे हाँ कुछ करना देगा। तो ये मेरा चल रहा है अभी, बाकी आने वाले एपिसोड में पता चलेगा कि क्या क्या करता हूँ मैं इस बच्चे को। अगर जैसे मुझे ये पता चलता है कि बेटा होगा तो फिर मैं क्या रिएक्शन होगा मेरा। ये मैसेज भी हुए यू नो फैन जो ऑडियंस है उनके लिए, आमतौर पर ऐसा होता भी है, कई लोग यही सोचते हैं। तो ये सीन करने में आपको कैसा लगा, मतलब कुछ? हाँ, एक्चुअली में मुझे बहुत तकलीफ हुई, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, बेटा बेटी एक समान होते हैं और ये भी होना ही चाहिए। सो ये भेदभाव कभी और कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। सो अब जैसा कि आप जानते हैं टीवी शो है ये, हम ऑडियंस को संदेश देते हैं कि एक इंसान जो बेटा पाने के लिए जिस हद तक जा सकता है तो उसका अंत बुरा ही होता है। लाइक आप कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव चीज़ करते हो तो उसका अंत बुरा ही होता है। सो ये है कि मैं अगर बेटा पाने की जिद करता हूँ और सारे घर वालों की इच्छा बेटी है, इवन बेटी अच्छी भी होती है, हर घर की बेटी, मतलब हर घर में बेटी हो, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बेटी पढ़ाओ, क्या देश बचाओ, देश बचाओ। देश बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, देश बढ़ाओ। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अब सीरियल में आई इस नए ट्विस्ट के बाद कहानी किस नए मोड़ पर जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा।